अगर हम ये सारे रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं तो इसका मतलब दर्शक ये न समझें कि भ्रष्टाचारियों पर से न्यूज़ 11 भारत की नजर हट गई है। इंतजार कीजिए, कल का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है, कई ऐसे खुलासे होने वाले हैं और वो भी खुद अधिकारी खुलासा करेगा। खुलासा ये होगा कि पैसा आता किधर था, पैसा जाता किधर था, पैसा कौन से चैनल से आता था। बड़े बड़े अधिकारी कल बेनकाब होने वाले हैं। 24 घंटे का वक्त है और इस 24 घंटे के वक्त में इंतजार करिए, ये जो इंतजार होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इंतजार कीजिए अधिकारी का खुलासा देखने के लिए। फिलहाल खबर देखिए, रांची के उरमांझी में जिस जगह से युवती की सिरकटी लाश मिली उससे सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर कुच्चू ओपी का निर्माण होना है, लेकिन यहां पर फिलहाल एक बोर्ड के अलावा कुछ नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए आप। मांझी में जिस जगह से युवती का शव मिला ठीक उस जगह से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर कुच्चू ओपी का निर्माण होना था। यह निर्माण अगर हो गया होता तो शायद जिस वारदात पर हम शर्मसार हैं वो नहीं हुई होती। फिलहाल वहां सिर्फ एक बोर्ड है और कुछ नहीं। और मांझी क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, अगर ये ओपी कुच्चू में बनता जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो घटना घटी है वो घटना नहीं घटती और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर रहते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ओपी का निर्माण प्रशासन द्वारा किया जाना था वो नहीं किया गया है, जिसके चलते आज ये घटना घटी है। ये घटना पूरी झारखंड को एक शर्मसार करने वाली घटना कही जा सकती है। यहाँ युवती के शव को सबसे पहले ग्रामीणों ने देखा था। ग्रामीण भी मानते हैं कि अगर ओपी होता तो तस्वीर अलग होती। घटना तो हुआ, घटना कब हुआ सो हम लोग नहीं देखे, बच्चा सब 6-7 बजे आए थे। अच्छा, तो हम लोग देखे। अगल कहाँ का बच्चा लोग ऐसे कुछ? हुंदूर का बच्चा है। घटना स्थल से महज 0.5 किलोमीटर दूरी पर एक ओपी का निर्माण होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये घटना घटी है। प्रशासन कहीं ना कहीं ये भी चूक कही जा सकती है, ये ओपी नहीं निर्माण कराने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। उरमांझी से न्यूज 11 भारत के लिए मोहसिन की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कई और खबरों पर नजर डालेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।